आज आप लोगों को बताएंगे एक टिचकॉम का मॉनिटर है, उसमें पावर नहीं आ रहा है, डेड पोजीशन में है। तो इसका मॉडल नंबर है आपका 1515P, 15 इंच का मॉनिटर है। एक एलईडी मॉनिटर है, इसको हम पावर सप्लाई रिपेयर करके बताएंगे। तो इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। इसका पहले पूरा कनेक्शन हम निकाल लेंगे। पैनल को हम पहले अलग कर लिया, साइड में रख दिया। अभी पावर सप्लाई को खोला है, 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है। तो इसको हम पावर देने से पहले हम इसको चेक करेंगे कहीं शॉर्ट है क्या नहीं। पहले जो मेन कैपेसिटर होता है उसमें वोल्टेज स्टोर हुआ होता है कभी कल, तो पहले उसको हम शॉर्ट करके वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज करने के बाद में हम मीटर की सहायता से इसका कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। कंटिन्यूटी रेंज पे रख के मेन फिल्टर में पहले चेक करेंगे। मेन फिल्टर में शॉर्ट नहीं बता रहा है और हमारा फ्यूज भी चेक कर लेंगे, फ्यूज भी सही है। और यहाँ पे ये जो आईसी है, आईसी को भी हम चेक करेंगे। आईसी भी हमारा शॉर्ट नहीं है। तो प्राइमरी सेक्शन में हमारा कुछ शॉर्ट नहीं है। ये है आपका प्राइमरी सेक्शन, इधर हो गया आपका सेकेंडरी सेक्शन। तो सेकेंडरी सेक्शन में चेक करेंगे। ये डायोड चेक करेंगे, ये डायोड हमारा शॉर्ट हो चुका है, इसके लिए आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो डायोड पे हम चेंज करके देखेंगे। डायोड के हमने निकल लाया, डायोड को इसको पहले साफ कर लेते हैं। ये वाला हमारा शॉर्ट वाला डायोड है, इसके जगह में हम एक दूसरा डायोड लगाएंगे। अभी देख लीजिए, जो हमारा शॉर्ट देखा रहा था वो शॉर्ट हट गया। फिर इसको हम पावर देके चालू करके देख रहे हैं। तो इसको हम अभी पावर देके देखेंगे।
ये देखिए हमारा पावर आ गया। अभी पैनल फिट करके हम इसको चेक करेंगे डिस्प्ले आया कि नहीं आया। पैनल हमारा जैसे लगा हुआ था हम ऐसे इसको फिटिंग कर देंगे। पैनल के साथ में हम सारे कनेक्शन कर दिया। अभी हम पावर देके देखेंगे। पावर भी दिया, देखिए हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।